टाटा की पंच इलेक्ट्रिक व्हीकल, सबसे टॉप मॉडल है ये एम्पावर्ड प्लस LC, उसके बाद जाता है पावर प्लस वाला। टॉप मॉडल की कीमत लमसम जो है वो 20 लाख टच कर जाती है। ऑटो होल्ड, यहाँ पे जो है वो गियर वगैरह चेंज कर सकते हो मेरे ख्याल से, डी वगैरह सब कुछ, ये स्टेटस यहाँ पे लिख के आता है। स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है, इंटीग्रेटेड लोगो आपको मिल जाता है जो भी, ये देखो बूट वगैरह खुला हुआ है, चाबी नहीं है, सब कुछ बताता है, पूरे एनिमेशन वगैरह लिख के आते हैं। ये जो है वो 11.7 mm का, 11.7 inches का आपको डिस्प्ले आपको मिल जाता है, 11 length 7 inch विड्थ, और काफ़ी बढ़िया सा आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, टच पैड, बैटरी की इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टेटस है, व्हीकल लोकेशन, कुछ ऑर्डर करना हो, सब कुछ आपको जो कर सकते हो बोलते हो। तो इस तरह से आपको 410 लीटर के अंडर 390 लीटर का बूट मिलता है, ऊपर एक पार्सल ट्रे है, लेदर अपहोल्स्ट्री काफ़ी बढ़िया सा आपको है, होल्ड करके रहते हैं, मतलब ये सीट बेल्ट है वो काफ़ी अच्छी तरह से, ये 60-40 फ्लिप सीट्स है, मतलब ये आप ये खोलते हो, ये भी खोलना पड़ता है शायद, ये मेरे ख्याल से ये देखो पूरे 60-40 भी इंच फोल्ड सीट हो जाते हैं। अगर अभी आ चुका हूँ टाटा के शोरूम में, और सबसे बढ़िया बात ये जो टाटा पंच है कोई नॉर्मल पंच नहीं है, अभी इसके टोटल रिव्यू मैं दूंगा, टोटल जो भी जितने भी जो ज़्यादा फिक स्पेसिफिकेशन है, जितनी गाड़ी है, जितनी दौड़ती है क्या नहीं है इसमें, वो मैं बता दूंगा आज मेरे चैनल पर। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, OMY007 चैनल को। तो सबसे पहले ये देखो टाटा पंच इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये कोई नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये जो है नॉर्मल MPFI व्हीकल नहीं है, पेट्रोल व्हीकल, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और सबसे पहले ये बात बता दूँ, ये इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से बात करते तो टॉप एंड मॉडल जो आपको 20 लाख तक चढ़ जाता है। अभी जैसे स्मार्ट एडवेंचर, एडवेंचर ड्यूल टोन जो है, उसके बाद क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस, उसके बाद एम्पावर्ड, एम्पावर्ड प्लस DC, उसके बाद जो है LC, उसके बाद जो है वो ज़्यादा बैटरी वाला, ज़्यादा पिकअप वाला आपको आता है, उसके बाद कम पावर वाला आता है, कम इफिशेंसी वाला आता है, मतलब एक रेंज है वो 400 किलोमीटर, दूसरी रेंज है वो 280 किलोमीटर, ऐसी दो रेंज आपको मिल जाती है। सबसे पहले ये जो बात बता दूँ, ये है टाटा की पंच इलेक्ट्रिक व्हीकल, सबसे टॉप मॉडल है ये एम्पावर्ड प्लस LC, उसके बाद जाता है पावर प्लस वाला। टॉप मॉडल की कीमत लमसम जो है वो 20 लाख टच कर जाती है, 17,80,000 एक शोरूम कीमत है। सबसे बड़ी बात, ये वाला वेरियंट आपको जो ऑटोमेटिक में मिल जाता है, और ये रेंज में दो ऑप्शन है आपको, एक तो ये फुल पावर वाला है जिसकी रेंज काफ़ी 35 किलोवाट की बैटरी आती है उसमें, और दूसरे में आपको जो है वो 25 किलोवाट की बैटरी आती है, मतलब उसकी रेंज कम होगी, इसकी रेंज ज्यादा होगी। और सबसे पहले बात बता दूं, यहां पे अगर पीछे लेके चलता हो तो सफोमीटर जो है, क्रॉसओवर माइक्रो SUV चली जाती है, उसके एक्सटर्नल जो है वो सीधे अराइवल कॉम्पिटिटर आ जाती है। पंच EV यहां पे लिखा हुआ है जो है वो सिल्वर ग्रे फिनिशिंग में, टाटा का इंटीग्रेटेड लोगो मिल जाता है, एरोट्विन वाइपर, फॉग लैंप आपको मिल जाता है, ड्यूअल टोन में आ जाती है। और सबसे बढ़िया बात, EV यहां पे लिखा हुआ है, तो व्हील बेस की बात करते हो, 2098 व्हील बेस है, ग्राउंड क्लियरेंस 280 mm के अंडर आपको मिल जाता है। सबसे बढ़िया बात, आगे बात करते हो तो इंटीग्रेटेड लाइट आपको मिल जाती है। और सबसे बढ़िया बात बता दो आपको इस गाड़ी की, ये अंदर रखे बोलते हैं दोनों रखे। अब EV जो है ना, मैं बता दूं भाई, सब कुछ आपको जो है सब कुछ दे रखा है इसमें, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ आपको जो एक नॉर्मल टॉप एंड में MPFI पेट्रोल में या फिर डीजल में नहीं मिलता, जो भी इसमें आपको मिल जाता है। अंदर मैं वैसे बोलता हूँ, ये देखो, ये कोई मिलता है आपको पेट्रोल इंजन में, वेंटिलेटेड सीट्स है दोनों के दोनों, ये थोड़ा सा और भी अच्छा हो सकता था, हम्प मिल जाता है वो, मतलब ऊपर वगैरह नीचे करने के लिए सीट्स। अंदर बैठते हो तो लेदर अपहोल्स्ट्री पूरे मिल जाते हैं वेंटिलेटेड सीट्स के साथ, पूरा टाटा का इंटीग्रेटेड लोगो आपको मिल जाता है जो भी, ये देखो बूट वगैरह खुला हुआ है, चाबी नहीं है, सब कुछ बताता है, पूरे एनिमेशन वगैरह लिख के आते हैं। ये जो है 0.7 inches का आपको डिस्प्ले आपको मिल जाता है, 11 length 7 inch विड्थ, और काफ़ी बढ़िया सा आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, टच पैड, बैटरी की इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टेटस है, व्हीकल लोकेशन, कुछ ऑर्डर करना हो, सब कुछ आपको जो कर सकते हो। पंच जो एक बात बता दो, नेक्सॉन से थोड़ी सी छोटी दिखती है, विड्थ में 2 mm से कम है। ऑटोमेटिक में आप बात बता दो, सिंपल सा कैसा लॉजिक है, जैसे कि जैसे ब्रांड न्यू टाटा नेक्सॉन में जो है वो हैरियर फियरलेस प्लस में आता है, वैसे की वैसे यहाँ पे आपको डिस्प्ले आपको मिल जाता है, जो भी इसमें ये टच पैड वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलता। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, यहाँ पे जो है वो गियर वगैरह चेंज कर सकते हो मेरे ख्याल से, डी वगैरह सब कुछ, ये स्टेटस यहाँ पे लिख के आता है। स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है, टाटा की इंटीग्रेटेड लोगो आपको मिल जाती है। अंदर भाई सब देख लो यार, क्या क्या नहीं है इस गाड़ी में, मतलब चार चांद लगा दिया गाड़ी। सनरूफ आपको छोटा सा मिल जाता है, सनब्लाइंडर के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, SOS के कॉल, फोन वगैरह इमरजेंसी करने के लिए, व्हाइट लैंप आते फिलहाल तो, और टाटा की खासियत भी है कि आपको व्हाइट लैंप आती ही आती है। ये डिस्प्ले देख लो, ये वाली भाई, ये स्पेस वही का वही है, पडल लैंप के साथ आता है, यहाँ पे कुछ स्पेस है, स्पेस के मामले में कुछ कमी नहीं छोड़ी, हालांकि बॉटल होल्डर थोड़े से इंप्रूव करना पड़ेगा टाटा को। स्टार्ट स्टॉप बटन, इल्यूमिनेटेड लाइट के साथ आपको बटन मिल जाता है, ब्रेक और क्लच मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात बताओ, गोली की तरह तेज भागती है यार गाड़ी, गोली जैसे हो ना वैसे की वैसे तेज भागती है। दूसरी बड़ी बात है कि ये सिल्वर ग्रे फिनिशिंग के साथ दो आपको जो है वो स्पीकर आपको आगे मिल जाता है,
यहाँ पे व्हाइट फिनिशिंग आपको फैब्रिक आपको मिल जाते हैं ऑटोमेट। ये जो है वो 1000 लाइट्स की वार्निंग दिखाई पड़ती है, देखो पार्क ब्रेक अलर्ट यहाँ पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक डीएक्टिवेट एक्टिवेट करना पड़ता है यहाँ पे अगर एक्टिवेट हो रहा है। 87% है वो 120 किलोमीटर तक मतलब रनिंग हुआ हुआ है, 201 किलोमीटर रेंज है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन पहले बताएगी। 1000 लाइट देख लो यार क्या जबरदस्त दिखाई पड़ती है, ऑन करते हो तो ये देखो, ये दिख रहे हो, देख रहे हो एचयूडी डिस्प्ले वो वाला नेचुरल वाला देख रहे हो, अभी कैमरा में भी दिख जाएगा आपको वाइट पूरा डिस्प्ले। अभी दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पे देख लो ये जो है वो पूरा का पूरा आपको वाइट जो है वो लाइट यहाँ पे कम्प्लीटली स्ट्राइप, ये जो है वो ब्लिंक करता है इंडिकेटर इसका सिंगल ब्लिंक में। और सबसे बड़ी बात, जब चार्जिंग करते हो ये व्हीकल तब चार्जिंग करने के लिए ये पूरा जो डिस्प्ले है, मतलब जैसे कि ये जो इंटीग्रेटेड जो है वो लाइट्स है वो जैसे परसेंटेज मोबाइल का बताती है ना जैसे चार्ज होता है मोबाइल, वैसे कि वैसे गाड़ी भी जब जैसे जैसे चार्ज होने लगती है परसेंटेज बढ़ने लगते हैं जब चार्जिंग पे लगाते हैं, मतलब कितने स्मार्ट तरीके से ये जो है वो फॉरवर्ड हो रहा है, फ्यूचरिस्टिक हो रहा है टाटा वाले। देखो सबसे पहले सामने बात जो है वो 298 मिलीमीटर का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है, सिल्वर ग्रे की फिनिशिंग है, पूरा फैब्रिक फाइबर आपको मिल जाता है, काफ़ी हार्ड है बाकी कंपेयर करते तो। ये वाला हॉर्न है प्लेसमेंट, टाटा का लोगो है यहाँ से, मेरे ख्याल से 360 कैमरा यहाँ पे आता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको टाटा के प्रोवाइड करते हैं, व्हाइट पोलर व्हाइट आपको कलर मिल जाता है। व्हील बेस मतलब व्हील अलाइनमेंट, व्हील बेस की बात करते तो 298 मिलीमीटर का आपको मिल जाता है। ईवी है तो भाई इंटीग्रेशन है, पूरी एलईडी मिल जाती है, कोई सी भी कमी नहीं है इसकी, इसका बेस मॉडल ले लो चाहे टॉप मॉडल लो सब कुछ एलईडी आता है। फीचरिस्टिक गाड़ियाँ बहुत आती है, मतलब बेस वेरिएंट भी लोगे ना इसका स्मार्ट तो कुछ कमी नहीं लगेगी आपको इसमें, लेकिन रेंज थोड़ी सी कम होगी, 210 जो है वो किलोमीटर आपको गाड़ी जाएगी। यहाँ पे अगर एम्पावर के अपोलो के टायर की बात करते तो ये टायर आपको जो है वो कम से कम पड़ जाता है 195, 60 और 16 के, जो भी ये जो है वो पूरा का पूरा जो है ABS EBD ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ सबसे बढ़िया बेनिफिट आपको मिल जाता है। चारों के चारों डिस्क ब्रेक आती है आपको इस गाड़ी में, 50 लाख की ब्रांडिंग की सेलिब्रेशन आपको मिल जाती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है दो रूफ रेलिंग, शार्क फिन इंटरनल, ड्यूल टोन में ब्लैक में आती है आपको गाड़ी अंदर भाई पता, लेकिन बाहर से देख लो यार ईवी जहाँ पे होता है ना ईवी लिखा हुआ होता है, काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही है यार गाड़ी, मतलब जो रेंज है ना 310 किलोमीटर काफ़ी आपको तेज़ दौड़ती है। यहाँ पे 100 मीटर क्रॉसओवर जो है वो माइक्रो एसयूवी में चली जाती है, अंदर यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता नहीं, खोलते हो दरवाज़ा तो यहाँ पे ये कोच ड्राइवर साइड में आपको वेंटिलेटेड सीट आपका ऑप्शन अवेलेबल, फैन स्पीड यहाँ से बढ़ा सकते हो, बैठते हो तो यहाँ पे पूरा क्लस्टर ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इको सेंस, स्पोर्ट्स वगैरह यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो। सबसे बड़ी बात चार्जिंग और बैटरी का सॉकेट के लिए यहाँ पे प्लेसमेंट है, बैटरी की चार्जिंग यहाँ पे बताता है, देखो ये जो है वो खोल सकते हो यहाँ से ये सब कुछ, बूट अगर पीछे से एक्सेस करना हो तो पीछे से बूट खोल सकते हो, मैं खोलता नहीं क्योंकि लग जा सकता है। दूसरी बात है यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले वगैरह आपको मतलब ये लाइट्स वगैरह नहीं, मतलब इनफ है यार, ये जो है वो बंद कर दो, बंद नहीं कर सकते, ये बंद करने के लिए बाहर से ही करना होगा। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, 2-zone ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, ये वाला पूरा सब कुछ आपको हिसाब किताब लगा के मिल जाता है। ये वाला स्पॉटेड लैंप के साथ आपको ऑप्शन है, एयरबैग्स आप इसको आपको 1, 2, 3, 4, 6 एयरबैग्स के साथ, एक तो टाटा की सेफ्टी है, दूसरी बात यह है कि सेफ्टी मिल जाती है, दूसरी बात बैटरी पैक मिल जाता है आपको। और गाड़ी का, इन गाड़ियों का एक फ़ायदा बताऊं, जैसे कि मेरी इंडियन एवरेज हाइट है 5'7", 5'8", काफ़ी मैं स्पेशियस बैठ चुका हूँ इस गाड़ी में, मैं अभी बंद करता हूँ, नॉइस आ रही है बाहर, तो मैं स्पेशियस बैठ चुका हूँ इस गाड़ी में, कोई कंफर्टेबल मतलब कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में अगर बात करते हो तो। लेकिन 6 फीट का बंदा बैठता है टाटा मंच में कोई आगे वाली दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पीछे टाटा नेक्सॉन ब्रांड न्यू आई है, थोड़े से 2 मिलीमीटर आपको कम स्पेस मिलता है, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से वेल सेटअप किया गया यार गाड़ी को, जैसे कि 11.7 इंचेस का डिस्प्ले आपका एंड्रॉइड एप्पल कार प्ले, चारों के चारों एसी विंड्स और भी वो भी चेंज कर लिए, देखो सिल्वर ग्रे फिनिशिंग के साथ, मतलब पूरी टॉप एंड वाली फीलिंग है। ये वाला हालांकि पोर्शन लेदर पॉलिश कर सकते थे वो नहीं हुआ, 4 ट्विटर 4 स्पीकर एक एम्पलीफायर और जो है वो नीचे सब वूफर पूरे के पूरा पैक मिल जाता है आपको, और हरमन गार्डन का स्पीकर और 11.7 इंच का डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया मिलता है। 360 है, 3D 3 डायमेंशन का पूरा, मतलब 4 डायमेंशन नहीं, 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन 360 व्यू पूरा का पूरा आता है। टॉप एंड मॉडल ये जो है वो आप देख रहे हो, इसमें आपको एम्पावर्ड प्लस जो है वो फियरलेस एम्पावर्ड प्लस DT आपको वेरियंट आपको मिल जाता है, ड्यूल टोन वेरियंट है। उसके बाद ये 410 किलोमीटर तक आपको एक रेंज में लेके जाती है, 35 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है। यहाँ पे 5'7", 5'8" बैटरी, ये वाला पूरा पियानो ब्लैक फिनिशिंग कर दिया यार, ये वाला पूरा मतलब पेट्रोल वेरिएंट लेने जाते हो तो ये वाला डिस्प्ले आपको मिलता ही नहीं है। पीछे ये आमरेस मिल जाए, खोलते हो तो एक मैग्नेटिक सेंसर है, काफ़ी ठीक ठाक है यार, एक बियर की बॉटल रख सकते हो छोटी मोटी, ये आपको मिल जाता है। लेदर अपहोल्स्ट्री यहाँ पे आती है, ये पूरी वेंटिलेटेड सीट्स है, काफ़ी दिखने में काफ़ी प्रीमियम है, 6 फीट का बंदा आगे बैठ सकता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बम्पर पहले से ही है 1 इंच बड़ा है, 16 इंच के टायर आपको मिल जाता है, सिल्वर के बाकी फिनिशिंग मिलते हैं यहाँ पे जो है वो आपको, ये पूरा लेदर वेदर नहीं चढ़ा गया था, फैब्रिक नॉर्मल मिल जाता है। पीछे अगेन बात करते तो इस तरह से टाटा मंच का पहले खोलना पड़ता था वैसे ही खोलना पड़ता है, पहले देखो पीछे अभी दिखा बात बता
अभी एक बात बता दो आपको, टाटा पंच लेने जाते हो तो टाटा पंच एमपीएफ है पेट्रोल में, आपको टाटा का लोगो अलग आता है जो भी इस तरह से प्लेस आता है, दिखाता हूँ मैं यहाँ पे देखो, ये टाटा का लोगो ऐसे जो भी आपको नॉर्मल ये गाड़ियों में देखने को मिलता है, लेकिन इन गाड़ियों में आपको इंटीग्रेटेड जो है टाटा का लोगो मिल जाता है। ये देखो पूरा कोई आपको क्रोम वोम चढ़ा के नहीं आता, क्योंकि ईवी व्हीकल है, पंच ईवी आपको सिक्वेंशियल लिखा हुआ है। खोलते हो बूट तो यहाँ पे मैग्नेटिक सेंसर यहाँ से भी खोल सकते हो, अंदर भी एक ऑप्टिमाइज टच का बटन है। ये वाला जो है वो आपको एरोट्विन वाइपर आते हैं, वो डिफॉगर आता है, एक रिफ्लेक्टर आता है, एक जो है ऊपर ब्लैक आता है पूरा, दो रूफ रेलिंग आता है, एक जो है वो शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है अंदर। ये खोलते हो तो इस तरह से आपको 410 लीटर के अंडर 390 लीटर का बूट मिलता है। ऊपर एक पार्सल ट्रे है, लेदर अपहोल्स्ट्री काफ़ी बढ़िया सा आपको है, ये होल्ड करके रहते हैं, मतलब ये सीट बेल्ट है वो काफ़ी अच्छी तरह से। ये 60-40 फ्लिप सीट्स है, मतलब ये आप ये खोलते हो, ये भी खोलना पड़ता है शायद, ये मेरे ख्याल से ये देखो पूरे 60-40 बेंच फोल्ड सीट हो जाते हैं। अगर बंद करते हो यहाँ पे, ये खोलते हो तो ये पूरे 60-40 बेंच फोल्ड सीट हो जाएंगे यहाँ पे, ये पूरा आपको ये जो दुकान बन जाएगा, मतलब काफ़ी बढ़िया से आपको मिल जाती है। सबसे बड़ी बात बताओ भाई साहब, 2098 जो है वो मिलीमीटर का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 209 मिलीमीटर का आपको जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, व्हील बेस 2098 जो है वो मिलीमीटर का मिल जाता है। टाटा का इंटीग्रेटेड लोगो है पूरा विंड मिल का, बाकी सेम वैसे की वैसा है, कोई चेंजेस आपको नहीं रहेंगे। लेकिन अंदर जैसे आते हो पूरा पूरा खाली दुकान बना सकते हो। इस तरह से आपको ये नीचे बूट में आपको जो इलेक्ट्रिक आपको चार्जर मिल जाता है, जो भी लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हो, नॉर्मल चार्जर और टर्बो चार्जर, ये 3 पिन है वैसे की वैसे, जो आपको लैपटॉप में जोड़ते हो वैसे बड़ी वाली मिल जाती है। इस तरह से यहाँ पे परसेंटेज बताते हैं कितना आपका जो व्हीकल चालू है, यहाँ पे उसका होल्डर मिल जाता है, जो बॉक्स मिल जाता है रख सकते हो, वो आपको फ्री है। दो पेडल लैंप्स नहीं, एक पेडल लैंप आता है उधर बूट के लिए विजिबिलिटी में, दो इस पे इस टाइप कुछ आपको जो है तकिए मिल जाते हैं। स्पेस वाइज भाई काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, ये खोलने के लिए भाई मुसीबत है, देखो काफ़ी हेवी है यार, मिल जाती है इस तरह से। तो 5-7, 5-8 तक अंदर बैठ सकते हैं, कोई भी झिझक नहीं, 5-8, 5-9 तक, 6 फीट तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती। आर्म रेस्ट एक ये आप कुछ स्पेस आपको मिल जाता है, पूरा का पूरा आप पूरा बेंच फोल्ड से तकिया बना सकते हो और कुछ भी कर सकते हो इस गाड़ी में। और ये बॉटल होल्डर थोड़ा सा मिसिंग मुझे लगा, और भी अच्छा हो सकता था, ये वाला शेप काफ़ी बढ़िया सा लगा मुझे, क्योंकि बॉटल होल्डर 1 लीटर की नहीं आ सकती। जैसे परसेंटेज चार्ज होने लगते हैं ये पूरा सिक्वेंशियल एक 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 परसेंटेज करके बढ़ने लगता है, जो भी काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है। अब ये वाला वेरियंट जो है वो फियरलेस प्लस एडवेंचर के ऊपर, स्मार्ट प्योर, प्योर के बाद एडवेंचर, एडवेंचर के बाद जो है वो एक एम्पावर्ड, एम्पावर्ड एलसी, एम्पावर्ड एलसी के बाद ड्यूल, बहुत सारे मैं जाने तक पूरा लिस्ट भी डाल दूंगा आपको। ये टॉप एंड मॉडल फियरलेस प्लस है, उसके बाद जो है वो एम्पावर्ड प्लस एलसी, उसके बाद पावर पैक आता है उसका, जो भी 410 किलोमीटर की रेंज बताता है, मेरे ख्याल से 300-350 तो ऊपर कर ही देगी। लेकिन इसमें देखो ये पूरा खुल गया टाटा का, या ऐसे ये खोलते हो ना ये वाला तो ऐसे खुल जाता है, ये टाटा का यहाँ से चार्ज कर सकते हो। ये वाला जो नॉर्मल चार्जर है ये वाला मेरे ख्याल से, और ये जो है मेरे ख्याल से ये नॉर्मल चार्जर है, और ऊपर वाला टर्बो चार्जर है। ये पूरा ऐसे करके बंद कर सकते हो, इस तरह से बंद होता है, हाथ से ही बंद होता है, ये खोल नहीं अंदर से सकते बाहर से, तो सेफ्टी तो ऑब्वियस चाहिए चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये गाड़ी बनी है, मोनोकॉक चेसिस में बनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, 410 किलोमीटर की रेंज देता है, 35 किलोवाट की बैटरी है, जो अराउंड 1 घंटे के अंदर टर्बो चार्जर में चार्ज हो जाती है। मेरे ख्याल से टर्बो चार्जर में 300-450 रुपये के लमसम आपकी जाएगी ही जाएगी। और दूसरा है घरेलू चार्जर में, होम चार्जिंग में 8.5-9 घंटे लेती है। लेकिन काम क्या है भाई साहब, आपका काम नहीं होती इस तरह से वेरिएंट, बाकी ट्यूबलेस टायर वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। और सबसे ये गाड़ी की खास बात बताओ, फीचर लोडेड होती है, बेस चाहे टॉप एंड ले लो या फिर सेकंड टॉप ले लो, आपको जिंदगी भर आप रोगे नहीं कि आपको ये नहीं मिला, सब कुछ आपको जो है वो मिल जाता है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, ऑटो होल्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग, दो कप होल्डर वगैरह सब कुछ बढ़िया सा मिल जाता है। स्पेस वाइज ठीक है, ऐसे नहीं आगे ठीक है, पीछे थोड़ा सा और मुझे लगता है टाटा पंच बढ़ सकती है, जैसे पहली है वैसे ही रही है, लेग स्पेस काफ़ी है, थाई सपोर्ट और बड़े हो सकते थे, विड्थ काफ़ी कम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसा लगा टाटा पंच का कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे है जो है वो टाटा पंच ईवी टॉप एंड मॉडल, जो है वो फियरलेस प्लस, जो है वो एम्पावर्ड एलसी, पावर पैक 310 की ऊपर 420 किलोमीटर के अंदर आपको रेंज करके देता है, देता है। और सबसे बढ़िया बात, एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, 20 लाख तक ये टच हो जाता है, 17-18 लाख एक शोरूम कीमत है इसकी। ऑन रोड चार्ट भी डाल दूंगा मैं, कैसी लगी टाटा मंच कमेंट करके जरूर बताएं। वोकल तो फिलहाल लोकल है, टाटा सबसे आगे है, तो ये टाटा का बता रहा। थैंक यू, तो फिलहाल तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।